दोस्तों, ये सेबी की कैसी पैसे लौटाने की प्रक्रिया है कि निवेशक कहता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो ये वीडियो लेकर आए दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पे इसलिए बनाई गई है क्योंकि सेबी विभाग का जो इस वक्त पैसे देने का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक बाद में होती रहेगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सेबी विभाग का डिज़ाइन तैयार करने वाले कौन है और पैसे को गबन करने वाले कौन है। तो दोस्तों, चलिए बने रहें हमारी वीडियो पर। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। निवेशक कहता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोसीजर चालू है पैसे लौटाने का, लेकिन फिर भी निवेशक आज भी यही पूछता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, हमारे खातों में कब आएगा। ना 5,000 वाले प्रोसीजर में कोई फूटी कौड़ी आई, ना 2,500 की पिछले प्रोसीजर में कोई फूटी कौड़ी सेवी विभाग ने हमारे खाते में डाली। तो दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारियाँ हमारे पास आती हैं और हमसे पूछते हैं। हम कहते हैं कि भाई 5,000 वाला प्रोसीजर चालू है, तो उनका यही कमेंट होता है कि हमारे खाते में तो एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं आई और आप कहते हैं कि प्रोसीजर चालू है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम भी खुद तलाशते हैं कि आखिर ये कैसा सेवी विभाग का प्रोसीजर है जिसमें निवेशकों को। जी हाँ दोस्तों, मुझे खुद पैसे नहीं मिल पाए। मेरे छूटे खाते थे जो 2,000 तक के थे, उनमें भी एक चवन्नी या फूटी कौड़ी अभी तक मेरे खाते में नहीं आई, जबकि 6 मेरे बॉन्ड 2 से 2,500 के बीच के जमा हैं और 5,000 के प्रोसीजर के भी 7-8 मैंने अपने बॉन्ड सबमिट किया है दोस्तों, जिसमें 5,000 की एक किस्त गई हुई है और कुछ 320 रुपये वाले खाते हैं जिनका लगभग 5,000 रुपया बनता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं खुद तलाशता हूँ इस बात को कि मेरा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता क्योंकि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिख नज़र आने लगा है, क्योंकि 2,000 और 2,500 की प्रक्रिया से हमें यह पता चल गया है कि पैसा इक्का दुक्का निवेशकों को दिया जाएगा। दोस्तों, अगर पैसा सही मायने में दिया जाता तो हमारे खाते में सबसे पहले आता, क्योंकि दोस्तों प्रोसीजर के मुताबिक हमने जिस तरीके से अपने बॉन्ड अपलोड किए हैं वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट सही किए हैं, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई डिफेक्ट नहीं है। हर एक हमने इसका जो भरने के खांचे होते हैं उनको सबको सही तरीके से भरा गया है और कहीं से कहीं तक कहीं कोई नाम की भी मिनी मिस्टेक नहीं है। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते थे कि ये पूरी प्रक्रिया पर हमने नज़र डाली तो यही पता चला कि 49 करोड़ रुपए की लूट का ये डिज़ाइन सत्ता के ठेकेदारों ने तैयार किया है, जिसमें सेबी एक कठपुतली विभाग है। जी हाँ दोस्तों, सेबी एक मात्र कठपुतली की तरह अपना काम कर रही है, जिसमें जिसको धनुष कमान की तरह चढ़ाकर, जी हाँ दोस्तों, जैसे धनुष कमान पर धनुष को चढ़ा दिया जाता है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी के मामले में और पैसे देने के मामले में इनको, जी हाँ दोस्तों, कमान पर चढ़ाया गया है, चाहे वो लोढ़ा कमेटी हो या सेवी विभाग हो। तो दोस्तों, संभावित है कि ऐसे माहौल में जिस तरीके का ये डिज़ाइन तैयार किया गया है भारतवर्ष में पल्स निवेशकों के लिए, उनको पैसा मिलना बहुत मुश्किल और कठिन बन गया है। दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसीजर तो एक ऐसा प्रोसीजर था कि निवेशकों को मिनटों और सेकंडों में पैसा मिल जाता, लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना की बात है कि इसको लुटेरों ने ढाल बनाकर पैसे देने की जो डिज़ाइन तैयार किया है उसके मुताबिक हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डिज़ाइन भी कब तैयार किया गया। जब पल्स संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया दोस्तों, जब पल्स संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जब जाकर ये एक पैसे देने की प्रोसीजर को
चलाया गया और किस तरीके से चलाया गया, ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पैसा किसी को नहीं दिया जा रहा, केवल साइट पर यह दिखाया जा रहा है कि हमने इतने 2,500 के 1,30,000 को दे दिए और 5,000 के प्रोसीजर मैंने हमने 2,77,544 लोगों को दे दिया। तो दोस्तों यहाँ अभी तक एक फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं आई और सेवी बाग कहता है कि हमने सबका दे दिया। तो दोस्तों इस डिज़ाइनर एक्सपर्ट, या दोस्तों ये जो डिज़ाइनर एक्सपर्ट है इसके मुताबिक हम आपको बता दें कि ऐसे पैसा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों क्यों नहीं मिल पाएगा, इसका सीधा सीधा मुख्य कारण यही है कि ये इस तरीके से पैसे देने के प्रोसीजर को डिज़ाइनर एक्सपर्ट ने बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी, जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी यहाँ पर मान्यता मिल गई है, उनके आदेश को भी पालन कर लिया गया है, उनके आदेश के आधार पर पैसे देने का प्रोसीजर को चालू दिखा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी उल्लू बना दिया गया है, या समझिए कि उसे गुमराह कर दिया गया है। जो सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवमानना रखी गई है इस तरीके से, जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली कहावत इस वक्त बिल्कुल साफ नजर आ रही है, और अंदरूनी लूट को पूरा अंजाम दिया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा यही है दोस्तों, जो हमने आपको कहावत सुनाई है ये बिल्कुल सही सुनाई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर दिया गया और निवेशकों का भी पैसे देने का 125 करोड़ जो देश की आबादी है उसको ये दिखा दिया कि देखो हमने सबका पैसा दे दिया। था दोस्तों सीधी सीधी बात करो तो 5,85,00,000 निवेशकों को इक्का दुक्का को ही पैसा मिलेगा। सेवी पोर्टल पर यह नोटिस लगा दिया जाएगा, सबका हो गया जिसकी सूचना, जी हाँ दोस्तों, इस लूट के एक्सपर्ट टीम के द्वारा दिखा दी जाएगी। और 2,500 वाली प्रोसीजर में 1,30,000 को दे दिया और 5,000 के प्रोसीजर में 2,70,000 को दे दिया, और आगे का जो प्रोसीजर चालू करेंगे उसमें भी बता देंगे कि इतनों को दे दिया। मतलब कहने का यही है 10-20 हज़ार का और प्रोसीजर आगे को चलाकर ये सब पूरी प्रोसीजर को इतिश्री कर देंगे। सेबी सरकार आज की डेट में, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बता दूं कि कितने आवेदन इनके पास गए इसकी कोई सार्वजनिक सूचना हम तक नहीं देते, अपनी वेबसाइट पर ये नहीं दिखाते कि कितने निवेशकों ने हम लोगों को, जो ऑल इंडिया, जी हाँ दोस्तों, पूरी इंडिया से बाउंड गए हैं और अपने पैसे के लेने के जिन्होंने आवेदन किए हैं कितने किए हैं या कितने नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा दोस्तों। अगर ऐसा दिखाया जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने तौर पर फ्री आवेदन भरवाए थे, तो दोस्तों उन्होंने फ्री आवेदन जो भरवाए थे उन पर उनका पूरा लेखा जोखा था कि कौन से जिले से कितने आवेदन गए और कितनी देनदारी उस जिले के निवेशकों को देनी है। तो दोस्तों इसको कहते हैं सार्वजनिक तौर से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये बताना कि इतने लोगों ने आवेदन किए और इतने लोगों का पैसा देना है और इस जिले से इतना देना है। तो दोस्तों ऐसा कुछ सेवी विभाग ने नहीं दिया, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इनका एक ऐसा, जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, उस राज्य की जहाँ पर आवेदन निशुल्क, जी हाँ दोस्तों, फ्री, बिल्कुल फ्री भरवाए गए थे, उस राज्य में पूरा डेटा दिया गया, उस डेटे के हिसाब से एक लूज पॉइंट हमारे पास है सेवी विभाग को कठघरे में खड़ा करने का दोस्तों, कि जब हमारे पास फ्री आवेदन भरने की जो वहाँ पर लेखा जोखा दिखाया गया कि इतने निवेशकों ने फार्म भरे और इतना पैसा इन लोगों को देना है, तो दोस्तों उस पर सर्वे जब किया जाएगा, दोस्तों सर्वे पर अगर सभी निवेशकों को पैसा वहाँ पर दिया गया, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
कि ये पैसा सबको नहीं मिल पाएगा, चाहे राजस्थान हो या कोई सा भी थान हो। क्यों नहीं मिल पाएगा दोस्तों? इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रोसीजर में बहुत झोल है, प्रोसीजर में बहुत बड़ी लूट की बू आ रही है दोस्तों, और इनका ये लूज पॉइंट हमारे पास रहेगा ताकि हम इनका, या दोस्तों इनकी टांग पकड़कर घसीट सकें इस प्रोसीजर चालू करने की और इसको डिजाइनर करने वालों की। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा हम कहेंगे कि इस राज्य में इतने बॉन्ड गए थे जिनका बिल्कुल लेखा जोखा हमारे पास है, जो अखबार के माध्यम से हमारे पास है, और उस उन निवेशकों को पैसा क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों ये बड़ा लूज पॉइंट इस वक्त से विभाग का हमारे पास है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, किसी और दिन आपसे पल्स की ऐसे, जी हाँ दोस्तों, लूज पॉइंट जो इस वक्त से विभाग के हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।